वहीं फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने स्वच्छ भारत मिशन के पैसों का दुरुपयोग का आरोप अधिकारियों पर लगाते हुए मुख्यमंत्री को खत लिखा है। मेयर ने इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग की है। जिस तरह अधिकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस बारे में मेयर सुमन बाला से बात की है हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। फरीदाबाद नगर निगम में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद की मेयर ने अपने ही डिपार्टमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की विजिलेंस जांच के लिए मुख्यमंत्री को खत लिखा है। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला जी हमारे साथ है। सुमन जी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विजिलेंस जांच की मांग की है आपने अपने ही अधिकारियों के लिए? आपने कहा है कि पैसों का दुरुपयोग अधिकारी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे कुछ पत्रकारों के माध्यम से भी और कुछ पार्षदों के माध्यम से इवन मेरे पास पब्लिकली लोग खुद ही मिलने आए कि भाई जो है टॉयलेट बिल्कुल साफ़ सुथरे नहीं होते। इस साफ़ सफाई को देखते हुए मैं खुद गई वहाँ पे, देखा कि सच्चाई में साफ़ सफाई नहीं थी। उस टॉयलेट को कोई लोग यूज़ करने के मतलब उसमें नहीं थे कि यूज़ कर पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने अधिकारियों को धमकाया भी, और बाद में मुझे पता चला कि जो 6.5 लाख रुपए है इसका मेंटेन करने का, जो इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए दिया जाता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं सही जगह पे नहीं लग रहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे टॉयलेट्स लोग यूज़ करें तो साफ़ सुथरे हों बिल्कुल। जिस हिसाब से 2015 से लेकर 2021 तक लगभग 12 करोड़ के आसपास जो पैसा स्वच्छ भारत मिशन के टॉयलेट्स के लिए आया है, तो ये पैसा कहीं ना कहीं सही जगह पर अधिकारियों ने नहीं लगाया। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये पत्र अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। मैडम, ऐसा नहीं लगता कि बहुत लेट आपने ये एक्शन लिया है? 12 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुका है अधिकारियों द्वारा, उसका आप कह रहे हैं कि सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है, टॉयलेट्स में पानी का कनेक्शन नहीं है, सीवर से कनेक्शन नहीं है, कुछ ज़्यादा देरी नहीं हुई? क्योंकि आप मेयर हैं, आपके पास भी कुछ पावर हैं, आप भी इस बारे में इंक्वायरी बैठा सकती थी। मेरे पास कुछ समय पहले ये संज्ञान में चीज़ें आई, पहले मैंने इनको यही बोला, मुझे ये नहीं पता था कि 6.5 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं। जब मुझे पता लगा कि 6.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मेंटेनेंस के लिए दिए जा रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि 6.5 लाख रुपए में तो हमारे ये टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखाई देने चाहिए थे, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी दिखाई दी अधिकारियों की। तो इसलिए मैंने जब देखा तो इन पर संज्ञान लिया। एक सवाल की, और आपने एक दो जो खत लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें एक दो टेंडर को लेकर आपने कहा है कि जेसी नालों की सफाई के लिए जेसीबी का टेंडर एक ही व्यक्ति को दे दिया गया, लगभग 1 करोड़ रुपए का है, और ऐसा ही आपने एक टेंडर के बारे में और जिक्र किया है। क्या ये टेंडर आपकी अनुमति के बिना होते हैं, आपके संज्ञान में नहीं होते इस तरह के टेंडर? 1 करोड़ से ऊपर के जो भी होते हैं वो हमारे पास आते हैं, बट ये शायद कहीं ना कहीं 1 करोड़ से नीचे का था, या जो भी था लगभग बोला है 1 करोड़ था, तो फिर हमारे पास इस तरह का नहीं। अगर हमारे पास इस तरह का कुछ आया होता तो उसमें उसी टाइम हमने संज्ञान लिया होता। अभी कुछ दिनों पहले जो स्वच्छ भारत मिशन के एसडीओ और आपका एक मामला सामने आया था जिसमें एसडीओ आपसे बहसबाजी कर रहे थे, क्या उसके बाद आपको ये पता चला कि इस तरह है कि जो पैसों का दुरुपयोग हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत? मैंने जब उनसे बात की, मुझे इनकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता था कि ये मतलब 7.5 लाख रुपए का एक टॉयलेट है। जब मैंने उनसे ये बात की कि इसमें सीवर पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया, तो मैंने पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या है लगभग, तो उन्होंने बताया कि 7.5 लाख के आसपास है। तो मैं कहा जब 7.5 लाख का टॉयलेट हम लगा सकते हैं तो हम इसमें सीवर पानी का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि शौचालय के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना शौचालय का कोई मतलब नहीं बनता। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने जब इन पर थोड़ा सा मतलब सवाल जवाब किए, तो इस पर इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि भाई इस तरह के सवाल जवाब क्यों। तो हम जिस सरकार में बैठे हैं बहुत ईमानदार सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार है और ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहते हैं, और अगर कोई ऐसी इस तरह की कोई भी चीज़ हमें दिखाई देगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर जाँच की जाएगी। तो विजिलेंस जांच की आपने मांग की है, आपको लगता है कि इस जांच के बाद जो आपको संदेह है कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है उसमें कुछ सच्चाई सामने आएगी, और अगर सच्चाई सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई अधिकारियों पर हो सकती है? आपके सामने जो भी निकल के जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा आप लोगों के सामने ही होगा, और जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों के कामों की विजिलेंस जांच की मांग की है। मेयर के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो पैसा दिया गया है उसका अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।